आपके साथ। मौलाना मजरूल हक फारसी और अरबी विश्वविद्यालय अंतर्गत चलने वाले आलिम की परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हुई। पुणे के रामबाग हाई स्कूल में इस परीक्षा का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों छात्र छात्राएं हुए शामिल। शहर के रामबाग स्थित पुणे हाई स्कूल में आलिम पार्ट वन और पार्ट टू की परीक्षा संपन्न हुई। मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय अंतर्गत चलने वाली इस परीक्षा में हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मदरसा बोर्ड के परीक्षा का परीक्षा केंद्र रामबाग स्थित उच्च विद्यालय को बनाया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग मदरसे जो विश्वविद्यालय अंतर्गत आते हैं उन सभी का परीक्षा केंद्र दिया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनय कुमार ने बताया कि पिछले 28 जुलाई से यह परीक्षा शुरू हुई थी, जो अब कदाचार मुक्त संपन्न हो गई। इसमें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के हर एक मदरसे के छात्र छात्राएं शामिल हुए। आलिम वन और आलिम टू की परीक्षा चल रही है, जो मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित होती है। आज परीक्षा का अंतिम दिन है, 28 तारीख से एग्जाम चल रहे थे, इसमें आज अंतिम परीक्षा है। परीक्षा के दरमियान से कोई कदाचार? जी ना, परीक्षा शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त चल रही है और पूर्णिया जिले के विभिन्न गांव ग्रामीण इलाके के मदरसाओं के बच्चे इसमें आलिम अव्वल और आलिम दोम की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।